हेलो एवरीबॉडी, कैसे हम सब आई और अच्छी होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये देख सकते हो, ये हम मेरठ में एंटर हो चुके हैं। अभी हम प्रतापपुर तो देख सकते हैं, यहां पर ये दूसरा लॉन्चर लगा हुआ है जिसने ये चार पिलर को कनेक्ट कर दिया दोस्तों, बायोडक्ट को एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में। देखो ये लॉन्चर कनेक्ट करता है बायोडक्ट को दोस्तों। और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दोस्तों, ये सीधा चला जाता है हरिद्वार के लिए, यानी कि मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार के लिए। तो हम चलेंगे मेरठ शहर के अंदर दोस्तों। देखो आप लोग, ये है साइन बोर्ड और इससे अंदर चलेंगे हम मेरठ सिटी के अंदर, दिखाएंगे चल के आप लोगों को। प्रतापपुर RRTS का स्टेशन रिठानी शताब्दी नगर, ये सारे स्टेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले देखते हैं, देखो किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है। देखो ये वो लॉन्चर लगा हुआ है और ये सारे पिलर को कनेक्ट करता हुआ। देखो यहाँ पर भी ये अभी बीम डाल के ये कनेक्ट किए जाएंगे, जो आप लोगों ने वो लोहे के स्टील के जो गाटर देखे थे वो यहीं डाले जाएंगे इसके ऊपर दोस्तों, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी बीम डालकर इनको कनेक्ट किया जाना है, लेकिन वो नहीं किया गया, तस्वीरें देख सकते हो। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के प्रतापपुर का RRTS का स्टेशन। ये सारे पिलर बनके कंप्लीट हो चुके हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और तीसरा लॉन्चर देखो यहाँ पर लगा हुआ है सामने, देखो आप लोग दोस्तों, देखो तीसरा लॉन्चर ये है जो बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में। किस तरीके से ये लॉन्चर बायोडक्ट को जोड़ता है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखो किस तरीके से इसने सेगमेंट को ये उठा रखा है, देखो सेगमेंट को उठाने का काम कर रहा है ना। देखो ये चार सेगमेंट उठा रखे हैं, चार और तीन सात, एक आठ और देखो एक ये उठाया जाएगा यहाँ पर, जिस पर टीम अभी लगी हुई है, देखो वर्क कर रही है। देखो इस तरीके से ये लॉन्चर काम करता है, बायोडक्ट को जोड़ता है दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के प्रतापपुर RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा आप सभी को दोस्तों। क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व लेता है ना, तो इस वजह से उस साइड में है। पर देखिए जो बीच का डिवाइडर है वो सारे में ही बना लिया जा चुका है, लेकिन इस पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देखो मिट्टी डाली जा रही है ना डिवाइडर के अंदर, फिर इसमें पौधारोपण कर दी जाएगी, यानी कि इस पर प्लांटेशन कर दी जाएगी, पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे दोस्तों। और देखो ये आ जाता है प्रतापपुर RRTS का स्टेशन। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस पर RRTS नहीं रुकेगी, लेकिन इस पर मेरठ मेट्रो रुकेगी दोस्तों, रुका करेगी। तो इसलिए ये छोटा सा स्टेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अब देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर, देखो ये जो इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वो बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर दिया साइडों में, ये देखो अब इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है, लेकिन अभी फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है दोस्तों। ये बहुत पहले ही रख दिए जा चुके थे दोनों साइडों में, लेकिन यहाँ पर काम अभी बहुत स्लो है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट देखते हैं कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या क्या काम किया जा रहा है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो अभी काम आधा अधूरा ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पर काम अभी जो भी है स्लो है। देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है यहाँ पर इस जगह, देखो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देखो एक साइड का तो ये किया बना रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट, और एक इधर बनाया जाएगा जो कि नहीं बनाया है अभी, देख सो। तो यही काम चल रहा है अभी, मतलब कि ज़्यादा स्लो ही काम चल रहा है, ज़्यादा तेज़ काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका फाउंडेशन का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों, लेकिन अब ये पिलर के स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा। ये देखो है, चलो ये देख सकते हो, ये सारे में ये गाटर लॉन्चिंग कर दिए दोस्तों आई गटर द्वारा। अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा जो कि नहीं हुआ है। देखो
और आपको बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पर ये बायोडक्ट जोड़ दिया है इन्होंने, लेकिन अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ना तो खंभे लगाए गए हैं देखो, ना ही इधर आपकी अभी ट्रैक स्लैब पड़े हैं दोस्तों, बस बीच का डिवाइडर तो बना लिया जा चुका है। इस पर देखो ये पेड़ पौधे भी लगा दिए, देख सकते हो ये पेड़ पौधे पहले ही लगा दिए थे इन्होंने, तस्वीरें देख सकते हो। लेकिन अभी इस पर ट्रैक स्लैब भी डाला जाएगा और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगाए जाएंगे दोस्तों। अब दिखाते हैं चल के रेठानी आर आर टी एस का स्टेशन। तो ये आ चुके हैं रेठानी आर आर टी एस का स्टेशन देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आर आर टी एस नहीं रुकेगी, लेकिन इस पर मेरठ मेट्रो रुका करेगी दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर ये छोटा स्टेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये देखो इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है, ये साइडों का जो रैंप बनाने का काम है वो देखो फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है अब इस पर, और इस पर एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है, यानी कि राइट हैंड पर दोस्तों। देखो लेफ्ट हैंड पर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन राइट हैंड पर बनाया जा रहा है, वो देख सकते हो तस्वीरें जिस पर सेटिंग लगी हुई है। ये सेटिंग लगी हुई है ना देखो, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए ही बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, और दूसरी साइड में नहीं बनाया जा रहा। इस पर भी अभी फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा दोस्तों, जो कि नहीं हुआ है अभी इस टाइम पे, किया जाना है। और बीच का ये देखो डिवाइडर बना के इस पर मिट्टी भी डाल दिया दोस्तों, इधर अभी फ्लोर वर्क किया जाएगा।
तो ये आ चुका है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन, तस्वीरें देख सकते हो। देखो इस पर अभी फ्लोर वर्क के लिए काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, जो साइडों का फुट ओवर ब्रिज है उस पर देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और यहाँ पर लॉन्चर भी लगा हुआ है जो कि वायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, सारे में ही गाटर लॉन्चिंग कर दी है, अब इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेशन है ये RRTS का। दोस्तों यही साइड में रोक लेना, यही रोक लो। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन जिस पर वर्क अभी किया जा रहा है। देखो इधर दोनों साइड में ये गाटर लॉन्चिंग डाल दिया, उधर भी गाटर डाल दिए, इधर भी गाटर डाल दिए इन्होंने, अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा। और बीच में ये लॉन्चर लगा हुआ है दोस्तों, जो मेन बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दोस्तों देख सकते हो ये सारे बीम उठा रखे हैं इसने, स्ट्रक्चर उठा रखे हैं इस लॉन्चर में दोस्तों। और ये है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, इस पर भी देखो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, इधर भी गाटर डाले जा रहे हैं, उधर भी गाटर जा रहे हैं। ये मेन कैरिज वे है दोस्तों, बायोडक्ट यानी कि मैन RRTS का। दोस्तों देखो उधर भी वो फ्लोर वर्क किया जा रहा है, उधर भी किया जा रहा है, और जो मेन का बायोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि इधर आपको बता दूं कि इन दोनों साइडों में तो ये मेरठ मेट्रो रहेगी और बीच वाले में दोस्तों ये RRTS रहेगी। तस्वीरें देख सकते हो, तो यही काम किया जा रहा है, ये देखो। तो ये किस तरीके से काम किया जा रहा है आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये देखो लॉन्चर भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के वहाँ पर अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है, चलते हैं दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन होता प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। दोस्तों चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के स्टेशन के अंदर, देखो किस तरीके से यहाँ पर बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा है। देखो ये मेरठ मेट्रो के लिए ये वाला बायोडक्ट, ये और उस साइड का, और जो बीच का है दोस्तों वो है RRTS का, यानी कि रैपिड एक्स इस पर दौड़ेगी। तो देखो इधर ये ऐसा काम किया जा रहा है, यार भगाया मत कर, धीरे धीरे चला करो, ऐसे जब पता है बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर ये वर्क किया जा रहा है, देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाने का काम किया जा रहा है, इधर तो कोई काम नहीं हो रहा है, उधर भी जितना काम था उतना ही अभी रुका पड़ा है दोनों साइड में। इधर का एंट्री एग्जिट पॉइंट का देखो वो सेटरिंग लगा कर और जो सरियाओं का जाल है बीम बनाने के लिए वो बना दिया जा चुका, पहले ही बना लिया था। देखो अभी काम यहाँ पर रुका पड़ा है, और जो इसके एक्सीलेटर ये यहाँ पर रखे गए हैं, एक्सीलेटर भी अभी नहीं लगे हैं दोस्तों। तो ये है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन दोस्तों, अब बढ़ते चलते हैं आगे। इधर देखो इधर क्या काम किया जा रहा है, इधर भी देख लेते हैं दोस्तों। यही ऑटो के पीछे रोकना, यही रोक लो, आज ये बात देखो दोस्तों। यहाँ पर भी अभी ये पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, लेकिन इनके बीच में अभी बीम डाला जाएगा, और बीम डालने के बाद में इसको कनेक्ट किया जाएगा। देखो इस तरीके से जैसे ये किए गए हैं, देखो ये वाले पिलर किए गए हैं ना कनेक्ट, इसी तरीके से वो भी किए जाएंगे। और उधर वो लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर दोस्तों, जो कि आ रहा है इस साइड में। तो किस तरीके से यहाँ पर देखो सेटिंग लगा रहे हैं, इस बीम को जोड़ा जाएगा इस पिलर से, और इस पिलर के बीच में ये बीम डाला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी देखो काम किया जा रहा है, यहाँ पर दो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, ये रैपिड मेट्रो के लिए होंगे उस साइड का और उस साइड का, और जो बीच का होगा दोस्तों ये इस पिलर के बीच में वो होगा RRTS का, यानी कि रैपिड एक्स का दोस्तों। तो देखो सेटिंग लगी और यहाँ पर ये
बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बीम डाले जाएंगे, बीम डालने के बाद में देखो वो सरियाओं का जाल बनाया जाएगा, फिर इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों। तो यही है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, कौन कौन से लेवल बन के कम्प्लीट हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो वो वहाँ तक सारे बीम बनाए गए हैं, बीम डाले जा रहे हैं, उन दो पिलरों पे तो बीम डाल दिए हैं, तीसरे पे भी डाले जाएंगे, और अभी इसमें देखो सेटिंग लगा रहे हैं, इस पिलर में कंक्रीट भर के इसको ऊंचा किया जाएगा, जैसे ये किया गया है इतना ही ऊंचा किया जाएगा दोस्तों। कुछ ये है नज़ारा यहाँ पर, ये देखो। तो ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग बताओ कमेंट करके, ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को।